यह खबर कल हमारे कार्यक्रम डीएनए में भूलवश राजस्थान के उदयपुर में हुए हत्याकांड के संदर्भ में प्रसारित हो गई थी। ये मानवीय भूल थी और हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। ये वीडियो देखा आपने? जी हाँ, ये जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन जी हैं। जी हाँ, जिस तरीके से अभी आपने खबर सुनी होगी कि सुधीर चौधरी ने जी न्यूज से इस्तीफा दे दिया है, वहीं दूसरे एंकर इस तरीके का कृत्य करके वाहवाही बटोर रहे हैं। जी हाँ, जो वाहवाही देने वाले लोग हैं वो अंधभक्त लोग हैं, मगर इन्होंने कारनामा क्या किया है ये आप अच्छे से जानते हैं। जिस तरीके से एक एंकर अपनी पद की गरिमा को कायम नहीं रख सका और लगातार जिस तरीके से उसने एक एजेंडे को चलाया, वो आप लोग समझिए किस तरीके से गोदी मीडिया काम कर रहा है। जी हाँ, वही रोहित रंजन ने राहुल गांधी के बयान को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया, आप इस साजिश को समझिए। जी हाँ, ये सोची समझी साजिश है, ये कोई गलती नहीं है, ये कोई गलती से गलती नहीं हुई है, ये जानबूझकर किया गया काम है। जी हाँ, जिस तरीके से राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था उस बयान में, आप सामने सामने सुन सकते हैं, आपने सुना भी किस तरीके से कहा था। उसके बाद रोहित रंजन के बाद दूसरे एंकर आते हैं, माफीनामा और खेद मांगते हुए कहते हैं, हमें खेद है कि ये गलती से इस बयान को इस बयान से जोड़ दिया गया। जी हाँ, अब आप समझिए पूरा एजेंडा। जब एक तरफ जी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी जो डीएनए टेस्ट करते हैं, जी हाँ, हर तरीके का डीएनए टेस्ट करने वाला सुधीर चौधरी आज इस्तीफा दे देता है, उसके बाद देशभक्त, सबसे बड़ा देशभक्त बनने वाला रोहित रंजन सामने आता है और उससे भी तेज तर्रार बातें रखता है और तेज तर्रार के साथ सबसे ज्यादा जहरीला इंसान जो रोहित रंजन सामने आता है। इस तरीके के एंकर जो जहर पूरे देश में फैला रहे हैं, आप समझिए ये कोई सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, ये कोई गलती नहीं हुई, जानबूझकर किया गया काम है। जो एक मैसेज पहुंचाना था अपने भक्तों तक वो पहुंच चुका है। जी हाँ, एक मैसेज पहुंचाने के बाद उसके बाद खेद को जता देना, यही गोदी मीडिया का काम है। किस तरीके से पूरा गोदी मीडिया काम करता है, आप इस तरीके के काम को समझिए। किस तरीके से एक एजेंडा चलाता है उसको समझिए। एक जहरीला जाता है तो दूसरा उससे भी ज्यादा जहर वाला एंकर जहर उगलता है, उसको समझिए। किस तरीके से शोषित पीड़ित लोगों के लिए ये सामने खबरें नहीं दिखाते हैं, एक बम लगाकर जो एक दलित को उड़ा दिया जाता है वो खबर नहीं चलाते हैं, वहीं प्रेस जिस तरीके से गोदी मीडिया राहुल गांधी के एक बयान को कैसे बड़ा चढ़ाकर बता रहा था, उसके बाद तोड़ मड़ोड़ कर दी गई, उसके बाद ये जहरीले एंकर किस तरीके से काम कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, आप सामने देख सकते हैं। उसके बाद खेद जता दिया जाता है, माफी मांग ली जाती है पूरे देश के सामने, वहीं जब नुपुर शर्मा भी इस तरीके की टिप्पणी करती है तो माफी मांग लेती है, उस पर FIR नहीं होती है। इसी तरीके से लगातार ये जहरीले लोग एक साथ मिलकर एकजुट होकर काम कर रहे हैं। किस तरीके से ये काम कर रहे हैं इस प्रक्रिया को आप समझिए, किस तरीके से लोगों के दिमाग में गोबर भर रहे हैं उस चीज को समझिए, किस तरीके से ये लोग एक एजेंडे के तहत काम करते हैं इसको समझिए। लगातार इसी न्यूज के चलते लोगों के ट्वीट आ रहे हैं और लोग लगातार रोहित रंजन की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से ये न्यूज चलाई गई है और उसको एजेंडा बनाकर दिखाया गया, उसके बाद माफी मांग ली जाती है, तो लोग जो है ट्वीट भी कर रहे हैं। मुंबई कांग्रेस सेवा दल ने ये लिखा है, पार्ट टाइम न्यूज एंकर जी न्यूज एंड फुल टाइम बीजेपी दलाल रोहित रंजन स्प्रेडिंग फेक न्यूज अगेंस्ट श्री राहुल गांधी जी एंड रन द एडिटेड फेक वीडियो इन हिज टीवी शो। जी हाँ, फेक और दलाल तक कहा जा रहा है इन पत्रकारों को, तो आप सोचिए इन पत्रकारों की जगह कहां पर है। और किस तरीके से ये लोग माफी भी मांग लेते हैं, इतने बड़े काम करने के बाद लगातार ये खेद जता देते हैं, माफी मांगने लगते हैं। माफी वीर तो खैर है ही ये लोग, किस तरीके से काम करके माफी मांगना है ये इनकी इनके खून में रच बस गया है। किस तरीके से एक काम को करके माफी मांग लेना इनकी आदत बन गई है, किस तरीके से किसी काम को दिखा देना, किस
कृत्य को दिखा देना, फिर उस बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखा देना, फिर खेद जताना, ये लगातार गोदी मीडिया इस तरीके से करता ही आया है। और लगातार ये माफी वीर के जो देशभक्त हैं, माफी वीर को मानने वाले, लगातार इसी तरीके से माफी मांगकर अपने काम से और चीजों से कन्नी काट लेते हैं। लेकिन अब रोहित रंजन बचने वाले नहीं है। जिस तरीके से सभी लोग जो हैं अरेस्ट करने की जो है पूरी कवायद छेड़ दी गई है, पूरा ट्रेंड कर रहा है कि रोहित रंजन ने इतने बड़े पद पे, इतने बड़े एंकर जो इस पद पे आकर इस तरीके की मिस्टेक कर देता है, सोचने वाली बात है। उसी के साथ अब जो है ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा है बाय बाय मोदी। जी हाँ, आज हैदराबाद में कार्यकारिणी बैठक थी, बहुत बड़ी, 18 सालों बाद एक बड़ी बैठक की गई। अब लगातार जो है मोदी को बाय बाय कहने की जो है अब कवायद छेड़ दी है लोगों ने। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है बाय बाय मोदी, लगातार इस तरीके की ट्वीट आ रहे हैं कि अब मोदी का जाना तय है, जो वहां पर ट्रेंड कर रहा है। और लगातार जो वहां पर हैदराबाद में एक बैठक हुई, उसी दौरान जब वहां जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे, वो आप देखिए किस तरीके के पोस्टर हैं, सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, लिखा जा रहा है बी वेयर हैदराबाद बाय बाय मोदी। जी हाँ, और इस पोस्टर में आप सामने देख सकते हैं एक मनी हीस्ट जो एक कैरेक्टर था जिसने एक हॉलीवुड मूवी बनाई थी, उसी के पोस्टर के तहत यहाँ पर दिखाया गया है, वी ओनली रॉब बैंक एंड रॉब द होल नेशन बाय बाय मोदी। ये लगातार इस तरीके के पोस्टर्स जो हैं वहाँ पर लगाए गए हैं, लगातार वहाँ पर लोग जो है बाय बाय मोदी के नारे तक लगा रहे हैं। और दूसरा ही अभी ट्वीट में आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी, लिखते हैं टू सेव इंडिया फ्रॉम बिगॉट से बाय बाय मोदी, टू सेव इंडिया बिगॉट फ्रॉम बिगॉट से बाय बाय मोदी। बाय बाय मोदी के लगातार जो है नारे लग रहे हैं, वहीं अब मोदी की जो है सच्चाई शायद देश समझ रहा है, लोग समझ रहे हैं, तो इसलिए लगातार जो है ट्रेंड कर रहा है बाय बाय मोदी। वहीं उदयपुर हत्याकांड को अंजाम देने वाले दो युवकों की आज पेशी थी, और वहीं पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में इतने पुलिस वालों की मौजूदगी में लगातार जो है उन युवकों पर हमला किया गया, मारपीट की गई, उनको मारा पीटा गया। सोचिए किस तरीके से अब जो लोग हैं न्यायपालिकाओं से शायद उनका भरोसा उठ गया है, और लगातार जो लोग अपने हाथ में कानून लिए फिरते हैं, इस तरीके से काम करने लगते हैं। सोचिए कोर्ट परिसर में इतनी कस्टडी में रहने के बाद भी जो है कन्हैया लाल के जो हत्यारे हैं उनकी पेशी थी, और लोग जो है वहाँ उन पर टूट पड़ते हैं, और लगातार भीड़ तंत्र का जो इस्तेमाल किया जाता है वो आप सामने देख सकते हैं, क्योंकि इस देश में कानून भी है, न्याय प्रक्रिया भी है, और लगातार उसके तहत उनकी अरेस्टिंग भी हुई है, और उसके बाद जो है जुडिशरी सिस्टम उसको अपने तरीके से उस कानून और UAPA के तहत जो है उसको सजा देगा। लेकिन आप सोचिए पुलिस वालों की इतनी कस्टडी में रहते हुए, और इतनी उसके साथ जो पूरी कस्टडी थी उस सिस्टम में रहते हुए भी जो है लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, और लगातार किस तरीके से मारपीट करने लगते हैं, और तो और इस तरीके के वह नारे भी लगने लगते हैं मारने काटने के, इनको जिंदा जला दिया जाए और इनका सर कलम कर दिया जाए, सरेआम रोड़ों पर इन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा जाए, इस तरीके के बातें भी बोली गई और नारे भी लगे वहां पर, जिंदा मारने के जो है नारे लगे। आज भीड़ मौजूद थी, लगातार भीड़ तंत्र का शिकार हुए वो लोग और उनके ऊपर टूट पड़े, और किस तरीके से लोग मारपीट कर रहे हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं, किस तरीके से लोग जो है कानून को हाथों में लिए घूम रहे हैं, किस तरीके से लोग उनको मारने पीटने लगे। लेकिन इतनी कस्टडी में रहते हुए भी पुलिस वालों ने उनको रोका टोका नहीं, बीच बचाव जरूर किया, लेकिन क्या इस तरीके के काम को हवा देनी चाहिए? क्या ये भीड़ तंत्र बन गया है? क्या जो है लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, और लोग जो है सड़कों पर फरसे और तलवारें लेकर घूमते हैं, सरेआम मारने काटने की बात करते हैं, और सरेआम जो है गोली से मारने के नारे तक लगते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से बजरंग दल वाले भी लगातार नारे लगा रहे हैं उन हत्या आरोपियों के ऊपर, जिस तरीके से हत्या की गई, तो उनके जो है मारने काटने की बात की जा रही है, लेकिन क्या इस देश में कानून बरकरार नहीं है? क्या इस देश में इस तरीके से जो लोग सड़कों पर उतर कर लगातार मारने काटने की बात कर रहे हैं, और ये तक कह रहे हैं कि इन लोगों को हमारे अंडर सौंप दिया जाए तो हम अच्छे से न्याय कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर अब जो है उन्होंने
कल ही जो इस तरीके की बातें कही कि नुपुर शर्मा को माफी मांगनी चाहिए, उससे भी लोग जो है, जो लोग नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे थे, वो लोग उल्टा सीधा कह रहे हैं, जुडिशरी सिस्टम पर ही लगातार सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से काम कर रहा है। जी हाँ, अब देखिए ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट को भी अब काम करने का तरीका बताएंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को काम करना है। शायद इसी भीड़ तंत्र की तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी काम करेगा या करने वाला है या कर रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से देश में कोई सच्चाई और हक अधिकार की बात करता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, जैसे कि फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट कर लिया गया, वहीं उसी के चलते नुपुर शर्मा की अभी तक अरेस्टिंग नहीं होती है। जी हाँ, और उसके बाद दिल्ली पुलिस पर भी लगातार उंगलियां उठती हैं कि क्यों अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। वहीं जब UAPA के तहत इन लोगों को, इन युवकों को हत्या के बाद तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाता है, तो वहीं जो है नुपुर शर्मा को माफी के लिए बोला जाता है। तो आप इस चीजों को खुद तय कीजिए कि किस तरीके से काम कर रहा है सारा सिस्टम। अब आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से, इस वीडियो में दो संत साधु लोग किस तरीके से लड़ रहे हैं। जी हाँ, ये वही हैं पांडे मिश्रा जी, शायद ही पांडे मिश्रा जी हैं जो इस तरीके से लाठियों के साथ भिड़ंत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही साधु संत हैं जिन, जो हिंदू लोग जो इनके पास जाते हैं, जो लगातार अपनी समस्याओं का समाधान के लिए इनके पास दान दक्षिणा देते हैं, वही आज साधु संत दान दक्षिणा के लिए ही आपस में भिड़ चुके हैं। किस तरीके से मारपीट हो रही है आप सामने देख सकते हैं, किस तरीके से लोग जो हैं दोनों आपस में डंडा मारी तक हो चुकी है, ये आप देखिए। एक सच्चाई ये आप जान लीजिए, किस तरीके से साधु संत जो आप लोगों को भगवान का भय बताकर आपसे दान दक्षिणा लूटते हैं, इनका धर्म और कर्म कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एजेंडा चलाना है, सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम पर लूट मचा रखी है, लगातार भगवान के नाम पर पैसा कमाना है। जिस तरीके से साधु संत आपस में भिड़ रहे हैं, उससे हिंदू राष्ट्रीय तो नहीं, असुर राष्ट्रीय जरूर बन जाएगा। यही राम राज्य की असली हकीकत है। ये राम राज्य शायद बनता हुआ नजर आ रहा होगा, मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं राम राज्य तो नहीं, रावण राज्य जरूर दिख रहा है। आप सामने देख सकते किस तरीके से साधु संत एक दान दक्षिणा और पैसों के लिए भिड़ गए हैं। यही धर्म के नाम पर जो लूट मचा रखी है इन साधु संतों ने, और लगातार लोगों को बेवकूफ बनाने का एजेंडे पर काम कर रहे हैं ये लोग, लगातार भगवान का भय बैठाकर, डर बैठाकर ये लूट खसूट कर रहे हैं और लोगों को हिंदू राष्ट्र को लगातार बनाने पर मजबूर कर रहे हैं। लगातार जो इस तरीके के पंडे बोलते हैं कि आपने अगर ये चढ़ावा नहीं चढ़ाया या इस तरीके का दान दक्षिणा नहीं की तो भगवान आपसे रूठ जाएंगे और आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे, तो आप ये मुसीबत सामने देखिए किस तरीके से वही साधु संत पैसे के लिए लड़ रहे हैं। इनका एजेंडा और काम ही यही है, कर्मकांड ही यही है। ये कर्मकांड के नाम पर लोगों को डर बैठाते हैं, मनों में भय बैठाते हैं कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है अगर दान दक्षिणा नहीं की तो आपके ऊपर विपत्तियों का अड़म्बार आ जाएगा। इस तरीके से जो दान दक्षिणा लूटने वाले ये पंडे आपस में कैसे पैसों के लिए लड़ रहे हैं, असली जो हकीकत है वो यही है कि पैसा कमाने के लिए ये लोगों को लूटते हैं और किस तरीके से अपने कर्म कांडों को बताते हैं। ये धर्म कांड नहीं, ये कर्म कांड है। आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग लोगों को लूट रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ किस तरीके से खेल रहे हैं भगवान के नाम के डर बैठाकर। तभी बाबा साहब और पेरियार ने कहा है कि धर्म जो है पाखंड है, उस पाखंड का आप जो है लगातार सच्चाई आप देख सकते हैं। यही सच्चाई उस पाखंड की, जो ये पाखंड फैला रखा है इन साधु संतों ने, किस तरीके से ये पैसों के लिए ये पंडे पोंगा पंडित बनकर बैठकर लूट खसूट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनका धर्म और कर्म सिर्फ और सिर्फ पैसा है, ये लगातार इस तरीके के ही काम करते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने का लगातार काम कर रहे हैं। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए जनहित आवाज से और लगातार देखते रहिए जनहित आवाज। आपकी इस सारी पूरी खबरों पर क्या प्रतिक्रिया है, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। शुक्रिया।